आज के बाद से संतरे को सब लोग मैंडेरिन बोलेंगे। हाँ, मैंडेरिन का मतलब क्या होता है? संतरा होता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे शांग-ची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स, एमसीयू की ये उन मूवीज में से एक है जिसका वेट लोग बेसब्री से कर रहे थे। हालांकि मूवी के फिल्म मेकिंग के दौरान लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे शांग-ची के बारे में, या तो फिर उनको शायद इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। लेकिन आफ्टर दिस पर्टिकुलर मूवी, ओह, वन ऑफ योर फेवरेट कैरेक्टर बन जाएगा शांग-ची। लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से उन लोगों ने इस मूवी को बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक पैंथर मूवी के बाद एमसीयू वालों ने अपने डायरेक्शन को बहुत हद तक चेंज किया है। कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से बताने लगे हैं, स्पेशली विलन के कैरेक्टर को, और वो चीज आप लोग यहाँ पर फील करोगे। और इस मूवी की शुरुआत ही होती है मैंडेरिन, यस मैंडेरिन, ना 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 मैंडेरिन नहीं, उनका जो नाम है वो नाम मैं भूल चुका हूँ, वो नाम आप मूवी में देख लेना। खैर, टैंग रिंग्स उनके पास कैसे आई, फिर टैंग रिंग्स आने के बाद उनके अंदर दिव्य शक्ति आने लगी और वो अमर हो गए। अब उसके बाद वो क्या कुछ किए, फिर कैसे उनको एक लड़की मिली, फिर उनका प्यार हुआ, फिर उनको बेटा हुआ यानी कि शांग-ची हुआ, फिर जो जो चीजें हुई है वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, मैं ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग जो इस पर्टिकुलर मूवी को अभी भी देखने जाने वाले हैं, तो मैं उनके लिए इतना ही बोलूं कि एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक बांधे रखेगा। मूवी में ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन जितने भी कैरेक्टर्स उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, मतलब इतने लवेबल वे में लिखा है कि साला नेगेटिव कैरेक्टर भी आपको पसंद आने लगे। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका विलन। विलन कहने को तो इतना ज्यादा नेगेटिव वे में उन्होंने बताया, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप किया, जो चीजें उसके बारे में बताई है, मतलब आप बहुत कम ऐसी मूवीज होती है जहां पर लोग विलन के बारे में इतना हद तक देखते हैं। और एमसीयू वाले अब वो सारी चीजें कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मूवी में भी हम लोग वो चीज फील करते हैं, और शुरुआत विलन से ही होती है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा मूवी में एक लवेबल कैरेक्टर है केटी, यानी कि जिसका रोल यहाँ पर एक्वाफिना ने प्ले किया है। भाई, उस बंदी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और वो कैरेक्टर को मतलब लिटरली उन्होंने इतना हद तक जिंदा किया कि आप उस कैरेक्टर को प्यार करने लगोगे। और उस कैरेक्टर के अंदर की जो बचकानी बातें हैं, जिस तरीके से वो हंसती है, जो बोलती है, कहीं ना कहीं वो आपको इतना पसंद आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में भी कोई बंदी हो तो भाई वो ऐसे ही हो, केटी जैसी। और वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। उसके अलावा मूवी में जिस तरीके से मार्शल आर्ट्स को बताया है, चाइनीज मूवीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और एमसीयू मूवीज में इस तरीके के मार्शल आर्ट हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब वो चीज हमको देखने को मिली, और इस लेवल का देखने को मिली है कि आप लोग बस अंदाजा ही लगा सकते हो। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने मार्शल आर्ट्स पर पहले बात कर दिया, तो उसके लिए फिर से दोबारा बोल दूं कि एक्शन सीन्स को बहुत अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया है। हर एक सीन, चाहे वो बाप बेटे के बीच की लड़ाई हो, या वो विलेजर्स और वो जो क्रीचर्स बताए उनके बीच की लड़ाई हो, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है। और वॉन्ग और एबोमिनेशन के बीच की जो चीजें थी वो तो सिर्फ उतनी ही थी जितनी हमने ट्रेलर में देखी थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं सोचा था कि यार कुछ तो सीक्वेंस बताएगा, लेकिन वो सीक्वेंस को ज्यादा नहीं खींचा, मतलब जितना बताया ठीक ठाक था, मुझे मतलब ठीक ठाक था। उसको वो लोग आगे लेके जाएंगे, मतलब वो सिर्फ एक टीज किया है उन लोगों ने, आगे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके लिए वहां पर वो चीजें टीज किया, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मूवी का बीजीएम बहुत अच्छा लगा, एक्टर्स का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ईच एंड एवरी वन एकदम परफेक्ट कास्ट किया है इस पर्टिकुलर रोल के लिए, चाहे वो मैं सिमुलू हो, सिमुलुई छुलुलु सॉरी 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 सिमुलुई, जिसने यहाँ पर शांग-ची का रोल प्ले किया, परफेक्ट परफेक्ट। और विलन, जो हमारे विलन भाई साहब है, उनका नाम भी बहुत सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मतलब जो हमारे विलन भाई साहब है वो मुझे पहली बार किसी ऐसी मूवी होगी जो मुझे लीड एक्टर से, हीरो से भी ज्यादा अच्छे लगे। और क्या ही बोलूँ मैं आपको, ईच एंड एवरी एक्टर हैज डन अ मैजिक ऑन द स्क्रीन। डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा लगा, हर एक चीजों को लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर बताया है, और मूवी में इमोशंस एक्शन कॉमेडी का एक परफेक्ट बैलेंस किया। डायरेक्टर और राइटर को इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। एमसीयू की ये वाकई में एक ऐसी मूवी निकल कर सामने आई है जो कि ब्लैक पैंथर जितनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन बेकार भी नहीं है। और ये मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10, डेफिनेटली। ये जाओ अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, थिएटर में जहाँ पर लगी आपके नजदीकी थिएटरों में जाओ देखो, एंजॉय करो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल देन बाय।